ये सब स्टॉक्स ठीक ठाक ही रहे हैं। अच्छा, BHEL को एक बार जरा डिस्कस कर लेते हैं। मानस, आज थोड़ा न्यूज़ से ये स्टॉक इम्पैक्ट हुआ है, लेकिन अदरवाइज स्ट्रांग रहा था। यहाँ पर कोई ट्रेड लेंगे या अभी थोड़ा इसको अवॉइड किया जाए? आई थिंक थोड़ा अवॉइड करना चाहिए अनुज जी, क्योंकि एक बड़ी रैली हमने देख ली थी 75 रुपए से लेकर 87 रुपए तक, तो BHEL के लिए ये एक बहुत बड़ा मूव था। वो हमने ऑलरेडी देख ली थी, अब करेक्शन देखने को मिल रहा है। करेक्शन शायद 77 रुपीज या 78 रुपीज तक जा सकता है, तो आई थिंक वहां पर फिर से रिव्यू करेंगे, बट फिलहाल के लिए कोई ट्रेड नहीं रहेगा BHEL। BHL इस बैक फुट पे आ रहा है। BHL जब याद रखिएगा कोलैप्स होने की स्थिति में आता है तो थोड़ा डाउन साइड जो बड़ा खुलता है। हालांकि आज का लो बहुत डिफाइंड लो है, 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। इसने अब तक के अपने अप ट्रेंड में 10 अप्रैल से लेकर अब तक, मतलब मोटा मोटी लगभग एक महीना, कभी भी 10 डे मा को नहीं तोड़ा। सो आज का लो बहुत मीनिंगफुल है, क्रिटिकल है और आई थिंक एक इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा फॉर द डे। अभी कोई ट्रेड व्यू नहीं है मानस का यहाँ पे। एक दो स्टॉक्स और मार्क कर लेते हैं। मैकडोनल्ड्स आपकी स्क्रीन पे, यूनाइटेड स्पिरिट्स एट डे हाई 798। अमित, इनफैक्ट गौरव, आपका टेक क्या होगा? इट्स ऑलमोस्ट स्ट्राइकिंग 800 को स्ट्राइक करता हुआ और अब पिछले 3 दिन से जो अटेम्प्ट ले रहा था अपने 100 डे मार्क को काटने का, काट सक्सीड नहीं हो पा रहा था, आज फाइनली सक्सीड हुआ है। कोई ट्रेड व्यू यहाँ पे आपका? बिल्कुल, अगर यहाँ पे देखेंगे तो एक राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन हमको डेली चार्ट्स पे देखने मिल रहा है। कंसोलिडेशन के बाहर भी स्टॉक निकल रहा है और एक बार अगर ये 797-798 स्पॉट में अगर सस्टेन अगर करता है तो एक स्विफ्ट अपसाइड आपको देखने मिल सकती है 840-850 की। मैं समझता हूँ यहाँ पे बाइंग के मौके हैं, जो यहाँ पे प्रीएम्प्ट करना चाहते हैं ब्रेकआउट को उसको अभी बाय कर सकते हैं। 770 का स्टॉप लॉस होगा, 20-25 का स्टॉप लॉस होगा और ऊपर आप 840-850 के लिए इसको प्ले कर सकते हैं। आप किसी ने पे फिर लाइए आप मैक्स फाइनेंशियल सर्विसेज, ये क्या कर रहा है करीब करीब 657 पे, ये भी अच्छा मूव देता हुआ मैक्स फाइनेंशियल। कल ओआई गेनर्स की श्रेणी में मैक्स फाइनेंशियल का जिक्र था। एनबीएफसीज में मेरे ख्याल से चौथे पायदान पर अगर आप ओआई को सॉर्ट करके कल देखते तो कल मैक्स फाइनेंशियल का जिक्र मैंने क्लोजिंग में ओआई समरी में जो 2 बजे की मैं देता हूँ किया था। मानस, मैक्स फाइनेंशियल को देखेंगे एक बार फाइनली एक बहुत बड़ी ड्यूरेशन के बाद, एक लंबे अंतराल के बाद, मेरे ख्याल से फरवरी फर्स्ट वीक के बाद ये अब अपने 50 डे मार्क को काट रहा है। आपका टेक क्या होगा? और एक 10-20 का पॉजिटिव क्रॉसओवर भी है कल, ओआई भी लॉन्ग अच्छा एडिशन हुआ यहाँ पे। अब पिछले करीब अगर आप देखेंगे तो 2-3 हफ्ते से हम देख रहे हैं कि इंश्योरेंस कंपनीज बेहतर कर रही हैं और MFSL भी अगर आप देखें तो 7-8 सेशन से बाइंग इंटरेस्ट दिखा रहा है और देखिए 20 डे और 50 डे मूविंग एवरेज के ऊपर अब ट्रेड करने लगा है। तो आई थिंक अब यहाँ पर एक मीनिंगफुल बाउंस बैक में शायद 720 तक के भाव जो कि 200 डे मूविंग एवरेज है वो टेस्ट हो सकते हैं, तो खरीदारी करने की राय रहेगी। MFSL में भी करंट लेवल्स पे खरीदारी कर रहे हैं तो स्टॉप लॉसेस आपके 640 के नीचे रहेंगे और टारगेट 700 और 720 के रहेंगे। और ऑप्शन में भी ट्रेड ले सकते हैं, वो लिक्विड भी है, 660 वाला कॉल ऑप्शन ले सकते हैं, 23 रुपए पे ट्रेड हो रहा है वहां पर आप खरीदारी करिए, 14 रुपए का स्टॉप लॉस लगाइए और 40 रुपए के टारगेट सेट करिए। ओके, 18-200। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं, वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।